Hello and welcome to Viraj IAS Academy everyone. Today we are here with the editorial dated 7th of June. आज का editorial हमारे मणिपुर में हो रहे दो religious tribes के बीच में है, right? दो caste के बीच में वहाँ पर कुछ riots चल रहे हैं and the whole editorial is going to be about that only. उससे पहले heading देख लेते हैं क्या थी editorial की और फिर हम देखेंगे vocabulary. Okay, let's begin. Useful first step on probing the ethnic violence in Manipur. तो जो violence वहाँ पर हो रहा है उसको रोकने के लिए एक first step लिया गया है, ठीक है. On probing means solving बोल सकते हैं आप, investigation बोल सकते हैं, शांत करने के लिए, ठीक है, एक useful step लिया गया है. Issues behind violence in Manipur are naughty but truth telling should help. तो issues जो हैं, जो भी violence के पीछे जो भी कारण हैं वो naughty हैं, मतलब काफ़ी difficult हैं, काफ़ी complicated हैं, ठीक है, लेकिन ट्रुथ टेलिंग शुड हेल्प. बट अगर सच का पता लगाया जाएगा, अगर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो ये शायद पता करना या फिर उसे सॉल्व करना ईजी हो सकता है. ओके, सो लेट्स सी द वोकैबुलरी टुडे. डेरिलिक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिलिक्शन? डेरिलिक्शन मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग बीन अबैंडन्ड, मतलब किसी को रिजेक्ट कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना, ठीक है. That means what? Dereliction. Dereliction means छोड़ देना किसी को, quit कर देना वहाँ से, neglect कर देना. So synonym would be reject, neglect, disuse. Okay. तो antonym क्या हो जाएगा? या तो आप किसी को reject कर दोगे या फिर आप उसे क्या करोगे, retain करोगे या reclamate करोगे. Reclamation to retention, अपने पास रखना, वहीं retain करके रखना, छोड़ना नहीं, abandon नहीं करना. Okay. Neglect नहीं करना. Next word is nudge. नज का मतलब होता है आप किसी को कोनी मारते हैं, दैट इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ नज. बेसिकली नज मतलब वही होता है कि इसको पुश करना, हम किसी को कोनी मार के पुश करते, जाओ ना करो, ओके गो अहेड, ठीक है. दिस इज वॉट इज नजिंग. ओके, नजिंग मीन्स टू पुश समवन जेंटली, टू पोक, टू डिग समवन, पोक करना, डिग करना, ठीक है, उंगली करना कहते हैं, दैट इज वॉट इज मेंट बाय नज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज करना या डिसवेड कर देना. डिस्करेज और डिसवेड समवन फ्रॉम समथिंग, ठीक है, डिसवेड में हटा देना वहाँ से, उसे उसका इग्नोर करना या उसे नेग्लेक्ट कर देना, हटा देना, डिस्करेज करना कि नहीं ऐसा मत करो, पीछे हट जाओ, और इसको पुश करना आगे. सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय नज. नज मतलब कहते हैं कोनी मारना, बोलते हैं ना, किसको पुश करना, किसको आगे की तरफ बढ़ाना कि जाओ ये काम करो ना, जाओ ना आगे करो, दैट इज व्हाट, उंगली करना भी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, दैट इज व्हाट इज पोकिंग और डिगिंग. नेक्स्ट वर्ड इज आर्सन. आर्सन का मतलब होता है आग, आगजनी बोलते हैं. राइट्स के बीच में जब भी कोई ऐसा रायट छिड़ता है तो जनरली आगजनी, आर्सन हो जाता है, मतलब लोग प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स, ये सबको आग लगा देते हैं. दिस इज वॉट इज मेंट बाई आर्सन. आर्सन इज अ क्राइम, द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग ऑन पर्पस, मतलब जान मूझ कर व्हीकल्स को, प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग्स को, इन लोगों को आग लगाना, इज कॉल्ड एज आर्सन. आगजनी जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आग लगाना. और ये आगजनी कब होती है? जनरली व्हेन देयर आर रायट्स, जनरली जब भी किसी दो कम्युनिटी के बीच में या किसी कम्युनिटी, कोई भी रोड पर आते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं या अगेंस्ट होते हैं जब, तब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, आर्सन. नेक्स्ट वर्ड इज र्यूमिनेशन. र्यूमिनेशन का मतलब होता है अ डीप और कंसिडर थॉट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से सोचना, कंसिडर करना, उस पर ध्यान देना, सोचना कि वो चीज़ सही है, गलत है, ठीक है, उसे पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेट करना, that is what is meant by rumination, to think something deeply. Okay, so analyze करना, synonym क्या हो जाता है? To analyze something, ponder करना या contemplate करना, to think something. Ponder means pondering, you keep pondering on this thought. Pondering का मतलब ही क्या हो जाता है? बार बार उसी चीज़ पर सोचते रहना, गहन चिंतन करना जिसे कहते हैं, that is what is meant by rumination. तो antonym क्या हो जाएगा? या तो आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचेंगे या फिर आप उसे ignore कर देंगे. तो इग्नोर या फिर ओवरलुक कर, नज़रअंदाज कर देना या देखकर अनदेखा कर देना, दैट इज़ वॉट इज मैंड बाय र्यूमिनेशन का एंटनिम, दैट इज इग्नोर और ओवरलुक. और र्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर बहुत गहराई से सोचना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सीज मेंटालिटी. ठीक है, सीज मेंटालिटी फ्रेजल वर्ब की तरह भी आप ले सकते हैं, दैट इज मीन्स डिफेंसिव और ओवरली फेयरफुल एटीट्यूड. सीज मेंटालिटी मतलब ऐसा एटीट्यूड जब आप गेन कर लेते हैं, जब आप हर चीज़ को सोचते हैं कि ये मेरे अगेंस्ट ही है, ठीक है, और आप पहले से ही बहुत डिफेंडिंग हो जाते हैं,
और आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है कि मुझे हर चीज़ सीज कर लेनी है, सीज कर लेनी है। देखो जब आप डरते हो किसी चीज़ से तो आप उस चीज़ को हथियाने में लग जाते हो, ठीक है। सीज मेंटालिटी का मतलब ही यही होता है, जब आप किसी चीज़ को हथियाने में लग जाओ कि हाँ ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मुझे हथिया लेना है हर चीज़, हर चीज़ मुझे अपने अंडर कर लेनी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर होता है कि शायद ये मुझे भी नहीं मिलेगा, ये भी मुझे नहीं मिलेगा, ये भी मुझे नहीं मिलेगा, ये भी मुझसे ले लिया जाएगा। दैट इज़ वॉट इज सीज मेंटालिटी मीन्स, टू डिफेंसिव और ओवरली फेयरफुल एटीट्यूड। जब आपके अंदर बहुत डर दिख रहा हो और उस डर का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा हो, जिस तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर सीज कर रहे हो, आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन गार्ड क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ वॉट इज मेंट बाई सीज मेंटालिटी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वैंटन। वैंटन का मतलब होता है शोइंग नो थॉट और केयर फॉर द राइट्स, फीलिंग्स और सेफ्टी ऑफ अदर्स। मतलब इंसानियत ही नहीं होना, बिना सोचे समझे कुछ भी करते चले जाना, ठीक है। लाइक अब जो आर्सन बिहेवियर, लाइक जो आगजनी कर देते हैं लोग, या मार देते हैं एक दूसरे को, लाइफ ले लेते हैं एक दूसरे की रायट्स में, वो ऑब्वियसली सोच समझ के तो नहीं होती है। अगर सोच समझ के करते तो ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो वैंटन बिहेवियर ही का मतलब होता है जब आप एकदम केयरलेसली, इनह्यूमनली एकदम किए जा रहे हैं, कुछ भी निर्दयता से कर रहे हैं, ठीक है। आप एक कुछ सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं, आपका एक्शन से दिखा रहा है कि आप कुछ भी सोच समझ कर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप बस किए जा रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग ऑन डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके। मीन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके अंदर कोई मानवता नहीं बची है, देर इज़ नो थॉट ऑफ केयर इनसाइड यू, एंड यू आर डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ अदर पीपल, ओके। ऑब्वियसली अगर लोग आग जला देते हैं, आग लगा देते हैं, तो थोड़ी सोचते कि इसके अंदर कोई जल भी जाएगा, बात समझ में आई। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनजस्टिफिकेबल। आपका ये बिहेवियर जब जस्टिफाइड नहीं है, एकदम अनजस्टिफाइड, आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ हम ये कर रहे हैं और ये सही है, या फिर एमलेस, कोई एम नहीं है आपका, बस आप कर रहे हो विदाउट थिंकिंग कि इसका क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे, नथिंग, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एंड यू आर गोइंग ऑन डूइंग थिंग्स। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जस्टिफाइबल बिहेवियर, ह्यूमेन या फिर मॉरल बिहेवियर, समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू, गुड फॉर द सोसाइटी एंड थिंकिंग अबाउट पीपल एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सस्केप्टेबल। सस्केप्टेबल का मतलब होता है ईजिली इन्फ्लुएंस और पर्सुएडेड बाई समथिंग। जब आप बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस में आ जाते हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, दैट इज़ वॉट इज सस्केप्टेबल। दैट इज़ वल्नरेबल, सेंसिटिव या फिर एक्सपोज हो जाना, आप काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हो, काफ़ी सस्पेक्ट में आ जाते हो, यार एक्सपोज टू समवन और समथिंग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्केप्टेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? शेल्टर में होना, प्रोटेक्ट होना। वल्नरेबल मतलब कि आप को ईजिली कैच करना ईजी हो गया, ठीक है। आप काफ़ी वल्नरेबल स्टेट में हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको दबाना या आपको पकड़ना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? व्हेन यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, व्हेन यू आर शेल्टर्ड समवेयर, ओके। जब आप एकदम प्रोटेक्टेड शीट में हो अपने अंदर, दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय प्रोटेक्टेड और शेल्टर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रेगेट। कॉन्ग्रेगेट का मतलब होता है भीड़ एक साथ जो आकर जुड़ जाए, एक क्राउड बना ले, एक मास बना ले, जब लोग आकर अक्यूमुलेट हो जाएं, कहीं पर गैदर हो जाएं, दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय व्हाट कॉन्ग्रीगेट, टू कम टुगेदर और गैदर इनटू क्राउड और मास, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? असेंबल या फिर गैदर हो जाना, जमा होना, ठीक है, कहीं पर भी आकर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाना, अलग अलग चले जाना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्स। सो ये क्या हो जाती है उसकी? एंटोनिम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है एक्टिंग और बिहेविंग इन अ कैप्रिशियस वे। एक्टिंग और बिहेवियर इन अ कैप्रिशियस वे मतलब ऐसा इंसान जिस पर आप भरोसा नहीं कर सको, जिसका मूड पल में ये, पल में ये, पल में ये, जो तुरंत चेंज हो जाए, ठीक है। इन अ सेकेंड जिन लोगों का मूड फिकल करता है, फिकलिंग नेचर के जो लोग होते हैं, अभी बहुत शांत है, तुरंत में गुस्सा हो जाएंगे, क्या पता तुरंत में रोने लगेंगे। सो व्हेन यू कैन नॉट ट्रस्ट अबाउट समवन्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। विम्सिकल मतलब काफ़ी चेंजेबल बिहेवियर रखना, ठीक है, कैप्रिशियस वे में या मैनर में बिहेव करना, दैट इज व्हाट इज विम्सिकल। मतलब वेरिएबल, चेंजिंग, फिकल, चेंजेबल, ठीक है, जो काफ़ी लोग चेंज होते हैं, तुरंत तुरंत मूड अपना स्विच करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़, या फिर आप नेताओं को विम्सिकल को बोल सकते हैं, अभी वो कुछ और बात करेंगे, नेक्स्ट पल में कुछ और, नेक्स्ट पल में कुछ और, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा वो उस पे बारे में बात करते हैं, दैट इज़ विम्सिकल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट या फिर स्टेबल होना, ठीक है। व्हेन यू आर वेरी कॉन्स्टेंट अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर स्टेबल इन नेचर, देन दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्स्टेंट और स्टेबल। मतलब विम्सिकल का क्या है ये सारे के सारे? एंटोनिम्स है। कॉन्स्टेंट होना, स्टेबल होना, काफ़ी स्टेबलाइज करना, चीज़ों को सोच समझ कर करना, तुरंत चेंज नहीं होना, उसी चीज़ पर स्टेबल डटे रहना, दैट इज़ द एंटोनिम फॉर व्हाट? विम्सिकल, कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वोकैबुलरी टुडे। चलिए अब रीड करते हैं। गिविंग यू
few minutes to just read it. The setting up of a three-member panel by the union government to probe the ethnic violence in Manipur that has claimed nearly 100 lives and displaced over 35,000 people. So, a three-member committee has been made. Okay, setting up of three-member panel has been made. Okay, union government has made it to probe, मतलब investigate करने के लिए, शांत करने के लिए जो violence हो रहा है मणिपुर में, ठीक है? That has claimed nearly जिसने 100 लाइफ ले लिए, 100 लोगों की जाने चली गई हैं एंड डिस्प्लेस्ड ओवर 35,000 पीपल और 35,000 लोग अपने घर अपने एरिया को छोड़कर चले गए, डिस्प्लेस हो गए हैं वहाँ से, ठीक है, मस्ट बी वेलकम. और ये काफ़ी वेलकमिंग मूव है, काफ़ी अच्छी मूव है. इसे जो हमारे ऑथर हैं वो वेलकम कर रहे हैं, मतलब इसकी सराहना कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं कि हाँ ये डिसीजन काफ़ी अच्छा लिया है यूनियन गवर्नमेंट ने. ओके, इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर क्लियर. An inquiry into the causes and the spread of the violence and whether there was any dereliction of duty by the authorities. So, ये इसके terms of reference, मतलब ये किस चीज़ पर देखेगा, जांच पड़ताल कैसे करेगा, ये काफ़ी clear है. और एक inquiry होगी कि क्या cause है, क्या कारण रहे हैं and the spread of the violence, क्यों ये violence इतनी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है and whether there was any dereliction, क्या कोई negligence हुई थी. Dereliction का मतलब क्या हो गया, negligence. क्या कोई नेग्लिजेंसी हुई थी ड्यूटी में अपने फर्ज से, ठीक है, बाय द अथॉरिटीज. क्या अथॉरिटीज ने कोई ऐसी गलती की है, कोई नेग्लिजेंसी की है, क्या इस वायलेंस को रोका जा सकता था, क्या इस राइट को रोका जा सकता था, क्या कोई भी अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है. इन सब चीज़ की क्या होगी, जाँच होगी, चेक किया जाएगा. दिस हैज़ द पोटेंशियल टू सेट अ प्रोसेस ऑफ ट्रुथ. अब ये जो मेम्बर कमिटी है इसके पास पोटेंशियल है, केपेबिलिटी है कि ये क्या करें, एक प्रोसेस सेट करें ऑफ ट्रूथ टेलिंग, कि सच को सामने लाया जाए. इन मोशन दैट कुड नज द पॉसिबिलिटी, नज मतलब इंक्रीज, ठीक है, नज करना मतलब किसी को उंगली करना, क्या ना इंक्रीज करना कहीं से, ठीक है, डिग करना, तो प्रोवोक करना. ये नज, ये जो है मेंबर पैनल है ये एक कैपेबिलिटी रखता है कि ये पॉसिबिलिटी को अ फ्री कंसिलेशन बिटवीन द वाउंडेड एथनिक कम्युनिटीज. वाउंडेड मीन्स जख्मी जिसे कहते हैं, ठीक है, जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उनको वापस रिकनसाइल करने में ये जो थ्री मेंबर पैनल है ये क्या होगा, ऐसा लगता है कि दे वुड बी पोटेंशियल, ठीक है, वो उनमें अंदर ये पोटेंशियल होगी, ये ताकत होगा, या यू कैन से ये कैपेबिलिटी होगी कि वो ट्रूथ टेलिंग मतलब सच को सामने लाएं और जो कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस हैं उनको वापस ठीक करके रिकनसाइल करके उनको साथ लेकर आ पाएंगे. ओके, रायट्स एंड एथनिक वायलेंस इन पर्टिकुलर रेयरली अकर विदाउट ड्राइविंग फोर्सेज. तो ऐसा कहा जाता है कि जनरली जो रायट्स होते हैं ना वो बिना भड़काव के नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कारण, ड्राइविंग फोर्सेस मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे उन्हें भड़काया जाता है, ठीक है. द फैक्ट दैट दिस अकर्ड इन मणिपुर विद द हेल्प ऑफ विद द लूटेड वेपन्स. अब ये जो मणिपुर में हुआ है ये कैसे हुआ है, लूटेड वेपन्स से हुआ है, ठीक है, पुलिस आर्मरीज को लूट लिया गया था, ठीक है, और वेपन्स आ गए थे लोगों के पास. फ्रॉम पुलिस आर्मरीज ओनली अंडरलाइन दिस. और इससे ये पता चलता है, ये अंडरलाइन कर, ये बात इस चीज़ की और प्रूफ बन जाती है कि विदाउट ड्राइविंग फोर्सेस, विदाउट ऐसा कोई कोई ऐसा हादसा हुए इतने बड़े बड़े रायट्स नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है. और जो पुलिस आर्मी रीज से जो इतने इतने वेपन्स गायब हो गए, चोरी हो गए और उसके बाद ये जो रायट्स हुआ है ये इस बात को काफ़ी अच्छा प्रूफ करता है, ठीक है. अ फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वायलेंट एक्शंस टू की affixing responsibility for the violent actions to key actors and holding them accountable are the first steps in building trust in those responsible for governance. और governance के सबसे government में हैं जो लोग government में हैं, जो govern कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी सबसे पहले duty है कि वो पता लगाएं कि इनके पीछे responsible कौन है, ठीक है,
और उनको अकाउंटेबल ठहराएं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि हाँ आपकी वजह से ये हुआ है, ठीक है, एज अ फर्स्ट स्टेप्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट। और जिसके वजह से, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तब लोगों के अंदर, आपके अंदर क्या आएगा, विश्वास आएगा आपके प्रति, ठीक है, पीपल विल बी अगेन एबल टू ट्रस्ट यू कि हाँ ठीक है आप सोच रहे हो उनके बारे में। ओके, दैट आर्सन एंड वायलेंस कंटिन्यू इन द स्टेट इवन आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्टर विजिटेड द अफेक्टेड एरियाज। हमारी यूनियन मिनिस्टर ने उस एरिया को विजिट भी कर लिया, उसके बाद भी वो आगजनी, आर्सन जो हो रखा था, जो वायलेंस वहाँ पर चल रहा था, जो आग लगाई जा रही थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं रुकी नहीं थी, ठीक है। आई विजिटेड एंड ओनली 18% ऑफ द लूटेड वेपन्स रिटर्न टू द आर्मरीज। और वापस आर्मरीज में खाली, सोचो अगर 10 गन्स, 20 गन, 50 गन वहाँ से गायब हुए थे, तो उनमें से सिर्फ 18% गन्स वापस आए हैं, ठीक है, ठीके? अभी भी लोगों के पास आर्मरीज हैं, जिससे ये साबित होता है कि उनके अंदर अभी भी दोनों कम्युनिटीज़, मिटीज़ और क्यूकीज़ में आपस में अभी भी डिस्ट्रस्ट है। आप आर्मरीज क्यों रखोगे? आपको लगेगा कि हाँ सामने वाला हमला कर सकता है, दूसरी पार्टी भी रखी हुई है कि हाँ सामने वाला हमला कर सकता है, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है, अभी भी आप विश्वास नहीं कर रहे हो, तभी आपने वो आर्मरीज वापस लौटाई नहीं है, खाली 18% वापस आए हैं, ठीक है। रिमेन्स इंटैक्ट बिसाइड्स इंडिकेटिंग द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रिटर्न टू लास्टिंग पीस। और इससे ये समझ में आता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं रही थी, ठीक है, कि वो कैटलिस्ट बन सकें, मतलब वो बीच में बिचौलिया का काम कर सकें और पीस ला सकें, ठीक है, वो कैटलिस्ट बनकर बिना उस लड़ाई में पार्ट लिए सिर्फ वहाँ पर पीस लाने का काम कर सकें, ये स्टेट गवर्नमेंट में नज़र नहीं आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। द पैरामिलिट्री फोर्सेज दैट हैव क्रिएटेड अ सिक्योरिटी ग्रिड, अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर तैनात हैं उन्होंने एक सिक्योरिटी ग्रिड क्रिएट किया है, ठीक है, एंड आर पेट्रोलिंग, और पेट्रोलिंग कर रहे हैं मतलब वहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है, बफर एरियाज, बफर एरियाज मतलब अफेक्टेड एरियाज जो भी हैं बिटवीन द इम्फाल वैली एंड द जॉइनिंग हिल एरियाज, कहाँ कहाँ पर, इम्फाल वैली और जो आसपास के जितने हिल एरियाज हैं, ठीक है, वेयर द क्यूकी पीपल लिव, जहाँ पे क्यूकी लोग रहते हैं, क्यूकी एक कम्युनिटी का नाम है, ठीक है, टू प्रिवेंट एनी वायलेंस, ताकि कोई वायलेंस आगे नहीं हो, कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड हेल्प। बट ऐसा लग रहा है कि ये पेट्रोलिंग और ये सब खाली लिमिटेड हेल्प है, मतलब ये पूरे के पूरे चीज़ों को शांत नहीं करने में केपेबल है, ये एक लिमिटेड हेल्प ही है। द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टू कम्युनिटीज एमएलएज इन पर्टिकुलर हु शेयर पार्टी एफिलिएशंस, अब जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं वहाँ के दोनों पार्टी के, वो सब पता, कुछ ना कुछ नेता वहाँ पर होंगे जो दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे और जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, लेकिन बट डिफर इन एथनिसिटीज, मतलब वो हैं उसी एरिया के, बट एक इस कम्युनिटी से, एक इस कम्युनिटी से है, ठीक है, ऐसे एमएलएज जो भी हैं उनको क्या करना चाहिए, मस्ट एक्ट एज अ बियरर्स ऑफ पीस, उनको आपस में मिलकर कोशिश करना चाहिए कि वो वहाँ पर शांति फैला सके, वो ये मैसेज दे सके लोगों को कि जब हम लोग साथ हैं तो आप लोग भी शांत हो जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। जब दो कम्युनिटी के अलग अलग लोग साथ में आकर ये बात कहेंगे तो इसका असर भी लोगों पर पड़ेगा, ठीक है, ऑफ पीस एंड रिकन्सिलेशन, एंड दे शुड ट्राई कि वहाँ पर रिकन्सिलेशन मतलब वापस मेल मुटाव, जो मन मुटाव खत्म हो जाए और लोग मिल जाएँ, साथ में रहें, ठीक है। द अंडरलाइन डिफरेंसेज बिटवीन द ग्रुप्स रिक्वायर लॉन्गर पॉलिटिकल डायलॉग, और अब जो डिफरेंस है जो दोनों ग्रुप में है, इसको ठीक करने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत की ज़रूरत है, पॉलिटिकल डायलॉग का मतलब एक अच्छा खासा बातचीत होने का ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। एंड रूमिनेशन एज आर ईजी टू सॉल्व, और काफ़ी गहन चिंतन सोचने की ज़रूरत, रूमिनेशन का मतलब टू थिंक डीपली, ठीक है, रूमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, टू थिंक डीपली, तो इस पर एक अच्छा खासा बातचीत और सोच विचार का ज़रूरत है, एज दे आर नॉट ईजी टू सॉल्व, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईजी नहीं है सॉल्व करने में, ठीक है। मैनी अमंग द क्यूकीज एंड द नागास क्लेम दैट द डिमांड फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फॉर मीटीज, अब देखो हुआ क्या है वहाँ पर, ये जो मीटीज हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दो, ठीक है, और ये क्यूकीज कह रहे हैं कि आप इनको क्यों दिए हुए हैं, ये गलत है, अपोज बाई ए सेक्शन अमंग देम इज अनजस्टिफाइड, वाइल मीटी सेक्शन रिसेंट द बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फॉर हिल्स ट्राइब्स, द मीटीज ऑल्सो हैव द ग्रीवेंस दैट, अब इस चीज़ के पास और एक दुख है, दैट दे लैक द एक्सप्लिसिट प्रिविलेज ऑफ ओनिंग लैंड इन हिली एरिया, तो मिटीज कहते हैं कि हमारे पास तो प्रिविलेज भी नहीं है, क्योंकि इसके पास तो प्रिविलेज है कि वो लैंड लेकर हिली एरियाज में रह रहे हैं, और मिटीज का ये दुख है कि उनके पास ये प्रिविलेज नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है वो हिली एरियाज में, ठीक है, अनलाइक द राइट दैट एनी वन कैन हैव इन द इम्फाल वैली, तो उनका कहना है कि इम्फाल वैली में लोगों के पास हिली एरियाज में जमीन लेने का राइट है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है, ठीक है। और क्योंकि इस कहते हैं कि आप मिटीज को क्यों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का
वो दे टाइटल देने को रेडी हैं, ठीक है, हम आप क्यों उस कास्ट में डाल रहे हैं। अमिटीज चाहते हैं कि उन्हें शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए, ठीक है। हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ लैंड ओनरशिप, अगर हम अपने हिस्ट्री देखें वहाँ की कि वहाँ पे लैंड ओनरशिप कैसा चला आ रहा है, एंड ड्वेलिंग बाय द क्यूकीज, मतलब जो ड्वेलिंग में रहना और कुकीज जो वहाँ पे रह रहे हैं, हैव ऑल्सो मेड देम सस्केप्टेबल टू क्लेम्स दैट दे हैव इनक्रोज ऑन रिजर्व फॉरेस्ट। तो वो उनसे एक ये काफ़ी सस्केप्टेबल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेबल क्या सामने दिख रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। उन्हें ये वो सस्पेक्ट में आ गए हैं, ये क्लेम्स जो उनके अगेंस्ट लगाए गए हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज को इनक्रोच किया है, कि इनक्रोच करना मतलब किसी जगह पर ज़बरदस्ती घुस जाना या उस चीज़ को कब्जा कर लेना। तो वो फॉरेस्ट एरियाज को इनक्रोच करके वहाँ पर रह रहे हैं, एंड द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने स्टेप लिया उस एरिया को क्लियर कराने के लिए, खाली कराने के लिए, हैव क्रिएटेड एन इम्प्रेशन, जिसके वजह से एक इम्प्रेशन ऑफ सीज मेंटालिटी आ गई है उनके अंदर। मतलब अभी जो मिट्टी से उनको खाली करा, देखो क्योंकि जो थे वो पहाड़ी इलाकों के जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इंक्रोच कर लिया है, वो फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं, गवर्नमेंट में वहाँ खाली कराया, गवर्नमेंट ने जब ये स्टेप लिया है तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें क्या करने का राइट हो गया है, उनकी मेंटालिटी हो गई है कि हमें सब सीज कर लेना है। सीज मेंटालिटी मतलब अब ये ज़मीन हमें हथिया लेनी है, ठीक है, कैसे भी कैप्चर कर लेना है, गवर्नमेंट खाली कराने आएगी हम कैप्चर कर लेंगे, हम नहीं खाली करेंगे, बात समझ में आए, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ रिकंसिलेशन कैन नॉट सक्सीड अनलेस दीज नॉटी इशूज आर टैकल्ड। तो जब तक ये इश्यूज़ जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, ये जब तक क्लियर नहीं हो जाए, जब तक ये इश्यूज़ सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे, तब तक प्रोसेस ऑफ रिकंसिलेशन ईजी नहीं होने वाला है, बात समझ। रिकंसिलेशन मतलब वापस सब कुछ ठीक करना इतना ईजी नहीं होगा जब तक आप उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करोगे। फॉर दिस टू हैपन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कम्युनिटी मस्ट राइज अबव देयर नैरो सेक्टेरियनिज्म एंड लुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। और इसके लिए जो भी उस कम्युनिटीज़ के MLAs हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको अपने सेक्शन को छोड़कर सोचना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पूरे देश के बारे में, और ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर अगर ऐसे रायट्स चलते रहेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड इन एनी गुड वे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी पीस टू एनी पीपल। उन्हें ये समझना होगा और दे शुड नाउ वर्क फॉर वॉट टू ब्रिंग रिकन्सिलेशन अमंग देम। अ बिगनिंग हैज़ टू बी मेड टू टैम्प डाउन ऑन द वायलेंस, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, टैम्प डाउन मतलब शांत करने के लिए वायलेंस को, रिटर्न द डिस्प्लेस पीपल, जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए उनको वापस अपने घर भेज सकें, ठीक है, सिक्योर देयर लाइफ, उनके लाइफ को सिक्योर सेफ करें, एंड आइसोलेट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैंटन वायलेंस, और जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे, वैंटन मतलब अभी मैंने बताया था वैंटन का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे जो आप ये वायलेंस कर रहे हैं, तो उनके पीछे जो लोग हैं उनको क्या किया जाए, उन वायलेंस वालों को रोका जाए, ठीक है, एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस, ठीक है, और लोगों के साथ जस्टिस हो, ठीक है, जो लोग भी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल उन्हें जेल में डाला जाए, लोगों का लाइफ सिक्योर किया जाए, उन्हें बचाया जाए, डिस्प्लेस लोगों को घर वापस लाया जाए और वहाँ पर सिचुएशन ठीक किया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दस मच डिपेंड्स ऑन द कमीशन्स वर्क इन दिस रिगार्ड, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कमीशन कैसे काम पर करता है इस पर डिपेंड करेगा, ये जो 3-panel कमीशन बनाया गया है ये कैसे इस पर काम करेगा, इस पर ये चीज़ बहुत अच्छे से डिपेंड करती आई है। तो समरी देख लेते हैं, समरी क्या कहती है कि इम्फाल वैली में दो कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, वॉयलेंस हो रखा है, एक चाहती है कि उन्हें शेड्यूल कास्ट ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए, दूसरी उसके अगेंस्ट है कि नहीं इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक को लगता है क्योंकि इसको लगता है कि मेरे पास तो शेड्यूल कास्ट ट्राइब का है लेकिन मिडीज़ को आप क्यों दे रहे हैं, मिडीज़ को लगता है कि हमारे पास तो यहाँ पर रहने के लिए ये हक ही नहीं है कि हम यहाँ पर ज़मीन खरीद कर रह सकें या ज़मीन हमारे अंडर आ सके जैसा कि बाकी इम्फाल वैली के वाले लोगों के पास है। तो ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बड़ा रूप अब शायद ले चुके हैं और उनके बीच में काफ़ी कम्युनल वायलेंस चल रहा है, ठीक है। हमारे एडिटर ने लास्ट में ये सजेशन दिया है, ओपिनियन रखा है अपना, कि ये जो 3-panel है ये भी शायद इस चीज़ पर अगर अच्छे से काम करेगी और वहाँ के जो MLAs हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर साथ आकर कोशिश करेंगे कि चीज़ें सही हो जाएँ, सॉर्ट हो जाएँ, तो ये बहुत अच्छा होगा और धीरे धीरे रिकन्सिलेशन होने पर आएगा क्योंकि जो वहाँ की कंडीशन है वो बहुत अच्छी अभी नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडिटोरियल टुडे, ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट नाइसली, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।